लॉकडाउन के दौरान पिछले एक महीने से जाम पड़े रोडवेज के पहिए आज एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। वहीं बीकानेर में भी रोडवेज बसों का संचालन आज से शुरू हो गया। संचालन के पहले दिन बीकानेर के रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बाद बसों की पूजा अर्चना की गयी और बसों को सवारियों के साथ गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बीकानेर रोडवेज मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदरा ने बसों की पूजा की। इस दौरान रोडवेज कर्मचारी और स्टाफ मौजूद रहा। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए बसों को रवाना करने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन भी की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि बसों के इंटरस्टेट संचालन शुरू न होने के चलते फिलहाल बसों में इक्का दुक्का ही यात्री नजर आए। करीबन एक महीने के बाद में राज्य सरकार के द्वारा ये बसेस जो है वो चलाने का संचालन का अनुमति दी गई है, तो उसी के क्रम में हम आज बसेस का संचालन कर रहे हैं। तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं। किसी भी यात्री को खड़े रहकर अनुमति यात्रा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही यात्रियों को पूर्ण यात्रा के दौरान मास्क का उपयोग करें, परिचालक चालक भी पूर्ण मास्क का उपयोग करें, इसके लिए हम उनको बोल रहे हैं। कितनी बसों का संचालन आज से हम 47 बसों का संचालन कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा उसी के अनुरूप जो है यात्री बसों को भी बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के चलते गाइडलाइंस के मुताबिक पिछले लगभग डेढ़ महीने से रोडवेज की सेवा बंद थी, लेकिन आज एक बार फिर से रोडवेज की सेवा को शुरू कर दिया गया। बीकानेर रोडवेज प्रमुख आगार प्रबंधक इंदिरा गोदरा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत बीकानेर डिपो ने फिलहाल 47 बसों का संचालन ही शुरू किया है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक रोडवेज की बसों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सीटों के अलावा बसों में अतिरिक्त मुसाफिरों को सफर करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया रोडवेज प्रशासन गाइडलाइंस के मुताबिक आगे भी बीकानेर इंटर बस सेवा के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी सेवाएं शुरू करेगा। इंदिरा गोदरा ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी और रोडवेज बसों को 10 जून से संचालित करने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 47 बसों का संचालन किया जा रहा है, उसके बाद यात्री भार के आधार पर बसों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें आज 50% बसों का 50% सवारियों के साथ संचालन किया गया। वहीं बसों के संचालन से पहले रोडवेज बस डिपो स्थित वर्कशॉप में 4 जून से ही बसों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया था, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।